वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ शादी कल्चर। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप IPL को हॉटस्टार में फ्री का देख सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी हम हॉटस्टार को अगर गूगल क्रोम या कोई और सर्च इंजन में खोलते हैं तो वो 3 मिनट या 2 मिनट के लिए चलता है, फिर वो आपको सब्सक्राइब करने के लिए मांगता है। लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे हम IPL को, बेसिकली IPL के बारे में बात करूँगा मैं, उसे आप फ्री का हॉटस्टार में देख सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है ये। हाँ तो दोस्तों, हम फिर आ गए हैं। यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी, चलिए कोई बात नहीं। तो हाँ, मैं बता रहा था कि कैसे आप हॉटस्टार को इसमें देख सकते हैं फ्री का। तो चलिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने गूगल क्रोम में जाना है। कुछ अगर आवाज़ आती होगी तो माफ़ी चाहता हूँ, मैं रूम में और रूम में मेरे पंखा चल रहा है तो सॉरी। तो चलिए, फिर भी मेरी आवाज़ कुछ क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो आपको गूगल क्रोम में जाना है और उसमें लिखना है क्रोम एक्सटेंशन। ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे मैं क्या लिख रहा हूँ, क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, क्रोम एक्सटेंशन के बाद आपको एंटर दबाना है। आपने क्या किया, गूगल क्रोम में गया, क्रोम एक्सटेंशन लिखा सर्च बॉक्स में और सर्च एंटर मारा। अब आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आएगा, थोड़ा अगर और नीचे जाइए, ठीक है, यहाँ पे क्रोम वेब स्टोर एक्सटेंशन आपको इसमें क्लिक करना है। देख लीजिए मैंने किसमें क्लिक किया, क्रोम वेब स्टोर एक्सटेंशन में। अब आपका सर्च, आपकी स्क्रीन उसका खुल जाएगा, वो टैब आपका खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है, हम नेक्स्ट मैं बताता हूँ। ये बहुत सिंपल है, पर अक्सर लोगों को नहीं आता है तो वो मुझसे भी पूछते रहते हैं, जैसे मेरे दोस्त की कैसे देख ले रहे हो, तो मैं उन्हें बताता था कि ऐसे करना है ऐसे करना, तो वो भी कह रहे थे अरे भाई ये तो बहुत सिंपल है, तो मैं सबको बताना चाहिए अपने चैनल में। तो मैंने तभी से सोचा हाँ, मुझे तो ये करना ही चाहिए ताकि और सब लोगों को भी फ़ायदा हो और वो इस IPL के सीज़न में मैच को कम से कम मिस ना कर सके। नेट स्लो है शायद। हाँ तो दोस्तों, हम आगे, अब हमें करना क्या है, ये देखिए आपका टैब खुल गया। आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखना है हॉटस्टार। ठीक है, आपको सर्च बॉक्स में हॉटस्टार लिखना है और एंटर दबा देना है। ठीक है, आप क्रोम वेब स्टोर का टैब खुला, आपने अपने उसमें हॉटस्टार लिखा और एंटर दबाया। अभी यहाँ देखिए आपका आ रहा है हॉटस्टार मैच, फ्री हॉटस्टार स्ट्रीमिंग। हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपने जैसे ही हॉटस्टार वहाँ पे टाइप किया तो यहाँ पे देखिए आपका हॉटस्टार के सब एक्सटेंशन आ गए। पहला है हॉटस्टार मैच हेल्पर, फ्री है, फ्री IPL हॉटस्टार स्ट्रीमिंग, फ्री है, फ्री हॉटस्टार स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग। तो आपको करना क्या है, आपको इसमें फ्री हॉटस्टार स्ट्रीमिंग और ये ऊपर चलते फ्री IPL हॉटस्टार स्ट्रीमिंग और ये फ्री हॉटस्टार मैच हेल्पर। तो हम आज क्या चीज़ के बाद में बात कर रहे हैं कि आप IPL कैसे हॉटस्टार में देख सकते हैं। तो आपको ये सेकंड वाला फ्री IPL हॉटस्टार स्ट्रीमिंग को ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे पहले ही ऐड करके रखा है, तो आप यहाँ पे देख सकिए। आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐसे ही रहेगा, ऐड टू क्रोम का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो फिर आपको ऐड टू क्रोम करना है, वो फिर डाउनलोड होगा और यहाँ पे अपने आप हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं मैं करके दिखाऊँ तो एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैं गूगल क्रोम के दूसरे सर्च इंजन को खोल लेता हूँ। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये बहुत इजी है। मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, क्रोम एक्सटेंशन। फिर से मैं बता रहा हूँ, तो जिन्होंने अच्छा से नहीं देखा वो देख लीजिए, क्रोम एक्सटेंशन एंटर किया, आ गया मेरे, मुझे किस में जाना है। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही कहा, मुझे क्रोम वेब स्टोर एक्सटेंशन में जाना है। अब इसका क्रोम वेब स्टोर एक्सटेंशन का टैब खुलिए। अब मुझे क्या करना है, हाँ मुझे यहाँ पे सर्च स्टोर में क्या लिखना है, हॉटस्टार लिखना है। आपने ये भी सही कहा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हॉटस्टार। फिर मुझे क्या करना है, एंटर दबाना है, मैंने एंटर दबा दिया, वेरी गुड दोस्तों। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला, ये पहले मैं हटा देता हूँ, कितना ठीक है, मैंने अब हटा दिया। तो अब देखिए ये वाला आ गया, आपको सेकंड वाला फ्री IPL हॉटस्टार स्ट्रीमिंग, इसको ऐड टू क्रोम करना है। मैंने ऐड टू क्रोम कर लिया, ये बोला कि आपको ऐड एक्सटेंशन करना है, मैंने कहा हाँ ऐड एक्सटेंशन करना है, अब ये डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए, ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है यहाँ पे।
और ये देखिए, फ्री आईपीएल हॉटस्टार स्ट्रीमिंग हैज बीन एडेड टू क्रोम। अब ये मेरा यहाँ पे ऐड हो गया। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, आपको अब जब आईपीएल का मैच होगा तब आपको सिंपली हॉटस्टार के साइट पे जाना है। हॉटस्टार मैंने टाइप किया, एंटर दबाया। अब मान लीजिए कोई भी एक मैच चल रहा है, तो देखिए मैं कोई वीडियो खोल के नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट का स्ट्राइक मेरे पे आ जाएगा, इसलिए मैं कोई वीडियो खोल नहीं सकता। तो मेरी ये मजबूरी है, तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या करना कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई भी मैच चल रहा है, ठीक है, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ हॉटस्टार आईपीएल। ठीक है, मान लीजिए ये आपका आईपीएल सीएसके वर्सेस एमआई का मैच चल रहा है, आपको ये क्या करना है, आपको ये खोलना है। ठीक है, आपको ये क्लिक करना है तो हॉटस्टार का आपका साइट खुल जाएगा और आपका मैच प्ले होने लगेगा। जब आपका मैच प्ले होने लगेगा तो तभी आपको क्या करना है, तभी आपको इस एक्सटेंशन में क्लिक करना है। तभी ये एक्सटेंशन आपको उसी पेज में अपना साइट खोल के उसमें फ्री का आईपीएल दिखाने लगेगा, और इसमें बेस्ट क्वालिटी, बहुत अच्छा क्वालिटी, बहुत अच्छा ऑडियो रहता है सेम टू सेम हॉटस्टार की तरह, और बिना कोई रुकावट के, ना 2 मिनट का रुकावट रहेगा, ना आप पूरा का पूरा मैच देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको वीडियो खोल के नहीं दिखा सकता, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसे खोलता हूँ तो मेरे पर कॉपीराइट का स्ट्राइक आ जाएगा। तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या करना है। अब आपने इसको डाउनलोड कर लिया है, क्रोम एक्सटेंशन को फ्रॉम गूगल वेब स्टोर से आपने इसे डाउनलोड कर लिया, एक्सटेंशन ऐड हो गया, एक्सटेंशन ऐड होगा तो आपको यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है, ये येलो कलर का स्टार। अब आपको क्या करना है, हॉटस्टार आई पी एल लाइव 2019 मतलब जो भी मैच चल रहा है उसको अपने अपने गूगल के वेबसाइट पे लिखना है, वो मैच आएगा। अब आपको आज मान लीजिए मेरा इसका मैच चल रहा है सी एस के वर्सेस एम आई का, तो मुझे इसको एक क्लिक करना है। अब ये हॉटस्टार की साइट पे प्ले होने लगेगा, तभी जब प्ले होने लगेगा तभी हमको एक्जैक्टली उसी टाइम इसे क्लिक कर देना है। तो ये क्लिक करेंगे तो ये एक नया पेज खुलेगा, उसमें बिल्कुल आई पी एल का ये फ्री का हमें दिखाएगा, पूरा का पूरा हम मैच देख सकते हैं। तो दोस्तों यही मुझे बताना था, और सॉरी मैं आपको ये नहीं बता पा रहा हूँ, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी मजबूरी है, कॉपीराइट का स्ट्राइक आ जाएगा। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे। थैंक यू।